उड़द की दाल को मुट्ठी में भरकर सिर से उतारने पर नजरदोष तुरंत ही दूर हो जाता है और मछलियों को दाल की गोलियां खिलाने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए उड़द के ऐसे ही जबरदस्त टोटके लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको उड़द के कुछ खास टोटके बताएंगे। बस थोड़ी सी उड़द हाथ में लेकर बोले ये दो शब्द का मंत्र, खुद अपनी आंखों से देखें लक्ष्मी माँ का चमत्कार। जी हाँ दोस्त, आज जो वीडियो हम आपको आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हम आपको उड़द दाल से किए जाने वाले ऐसे ही बेहतरीन और जल्दी असर दिखाने वाले टोटकों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर टाटा या अंबानी की तरह आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई बैकअप नहीं है तो परेशान मत होइए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आपका ये सपना पूरा हो सकता है। उन्हीं में से एक है काली उड़द की दाल के ये टोटके। ये न सिर्फ धन धान्य की वृद्धि बल्कि बुरी नजर से भी बचाने में आपके लिए बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पहले ऐसे टोटके की जिससे आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, टोटका बताने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरंगबली अवश्य लिख दें, क्योंकि कोई भी टोटका तभी असर करता है जब हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसलिए बिना देरी किए जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों, धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन आपको काली उड़द का यह टोटका अवश्य करना चाहिए। आपको इसके लिए एक मुट्ठी काली उड़द लेनी है और उसमें आपको एक चम्मच दही डाल देना है और एक चुटकी उसमें बजरंगबली के लिए इस्तेमाल होने वाला सिंदूर डाल देना है और इसको अपने सिर पर से 7 बार उतार करके किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में रख देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये उपाय लगातार 5 शनिवार तक करते हैं तो आपको दौलतमंद बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होने का और धनवान होने का सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र की माने दोस्तों तो जो लोग मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए भी एक ऐसा रामबाण उपाय है जिसे करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप भी अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो 300 ग्राम काली उड़द लेकर आए और उसे पिसवा करके आटा बना ले। अब इसे एक नई छलनी लेकर आए, उसे इसे छान ले। अब उसकी आटा गूंद करके रोटियां बना ले। अब आपको 1.25 मीटर काले रंग का कपड़ा लेना है। इस काले कपड़े में जितनी भी उस आटे से रोटियां बने उन सभी रोटियों को कपड़े में बांध करके एक पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को घर की वृद्ध महिला घर के मुखिया के सिर पर से 3 बार क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में उतार दे और उसके बाद आपको अपने नजदीक के किसी भी हनुमान मंदिर में इसे रख कर आना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन यह उपाय आपको या तो सुबह 11 बजे से पहले पहले करना है या फिर शाम को 5 बजे के बाद। यह उपाय करने से बेरोजगारी तुरंत ही दूर हो जाती है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों का बिजनेस है और उनके बिजनेस में उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती है तो उनके लिए भी आज हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने से सफलता प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको आपके बिजनेस में सफलता चाहिए तो आप रविवार के दिन या फिर मंगलवार या शनिवार के दिन एक मुट्ठी काली उड़द को लेकर के माँ लक्ष्मी जी के इस विशेष मंत्र का जाप करते हुए एक लाल कपड़े में बांध लें। दोस्तों, इसके लिए आपको 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा लेना है और उसमें आपको एक मुट्ठी काली उड़द रख देनी है। ध्यान रहे दोस्तों कि उड़द साबुत होनी चाहिए, छिलका उतरी हुई या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से खंडित ना हो। उसके बाद आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम श्री महालक्ष्मी देव्य नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर देने के बाद आपको उस लाल कपड़े से एक पोटली बना लेनी है और इसे आप रविवार के दिन या शुक्रवार के दिन, मंगलवार या शनिवार के दिन अपनी दुकान में रखें और रोजाना इसे धूप दीप दिखाएं। यानी कि जिस प्रकार से आप प्रतिदिन अपने दुकान में पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार से इस पोटली की भी पूजा करें। ऐसा करने से आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा, आप चमत्कार और फर्क खुद अपनी आंखों से देखने लगेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई बिजनेस नहीं है, वो कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति का कोई बिजनेस चल रहा है लेकिन फिर भी उसके अलावा वो कुछ नया काम शुरू करने जा रहा है लेकिन उसकी सफलता में कुछ रुकावटें आ जाती हैं, कुछ अड़चनें हमारे आगे आ जाती हैं। तो ऐसा में दोस्तों आप अपनी दुकान या कार्य क्षेत्र में काली उड़द की दाल के दाने रख दें, साथ ही दुकान के कोने में लोहे की कील भी रखें। इससे आपकी दुकान पर लगने वाले या फिर आपके नए काम पर लगने वाले हर प्रकार के नजर दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं तो आप किसी भी दिन काली उड़द की दाल के उसको आटा बनवा करके उसके पकौड़े बनाएं और उसे किसी भी काले कुत्ते को खिला दें।
इससे बलाएं टल जाती हैं और इससे धन में वृद्धि होती है, साथ ही साथ पैसा टिकने भी लगता है। दोस्तों अगले उपाय के अनुसार आपको थोड़ी सी काली उड़द लेकर आए और उसका आटा पिसवा लें, या फिर आप पिसा हुआ आटा भी बाजार से लेकर आ सकते हैं। अब आपको इसकी छोटी छोटी 101 गोलियां बना लेनी है। अब इन गोलियों को मछलियों को आपको खिला देना है। ऐसा माना जाता है कि यदि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, खासकर से शुक्रवार के दिन करता है, तो उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा उसके घर पर बरसने लगती है। दोस्तों अब कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो उन व्यक्तियों के काम आएंगे जिन लोगों की विवाह में अड़चने आ रही हैं, जिन लोगों की शादी में अड़चने आ रही हैं, उन्हें भी काली उड़द की दाल का उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम काले तिल और 250 ग्राम काली उड़द और थोड़ा सा तिल का तेल, 1.25 मीटर काला कपड़ा और एक नारियल एक साथ लेकर के उस कपड़े पर रख देना है और उसकी एक पोटली बना करके आपको किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में आपको उसे चढ़ा देना है, या फिर आप पीपल के पेड़ पर उसे बांध सकते हैं तो ये और भी उत्तम होगा। दोस्तों अगर आप पीपल के पेड़ पर ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप चाहें तो उसे हनुमान के मंदिर में या फिर शनि मंदिर में भी दान कर सकते हैं। दोस्तों जिन व्यक्तियों की शादी हो चुकी है और पति पत्नी में नहीं बनती है, अनबन रहती है या लड़ाई झगड़ा या तनामुनी रहती है, तो उन्हें साबुत काली उड़द की दाल में थोड़ी सी मेहंदी मिला करके अपने बेडरूम में यानी कि जिस कमरे में भी आप सोते हैं और जिस पलंग पर आप सोते हैं उस पलंग के नीचे रख देना चाहिए। ऐसा करने से देखेंगे कि आपके संबंध बहुत ही जल्दी मधुर होने लगेंगे, जो नाराजगी थी वो प्यार में बदल जाएगी। दोस्तों कुछ परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ बच्चे अपने बुजुर्गों की या फिर अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, तो उसे ठीक करने के लिए आप किसी भी शनिवार को शाम को 4 बजे के बाद काली उड़द की दाल, थोड़ा सा गुड़, सरसों का तेल और एक मिट्टी का दीपक, 2 लोहे की कील पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और सरसों के तेल को दीपक में डाल करके दीपक को जला दें। इसके बाद आप पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा लगातार आप 4 या 5 शनिवार तक करें। आप देखेंगे कि दूसरे या तीसरे शनिवार से ही बच्चे का मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा और अपने माँ बाप की बातों में उसका ध्यान लगने लगेगा और आपकी हर बात मानने लगेगा। दोस्तों घर में क्लेश होने का एक मुख्य कारण होता है कि घर पर नजर लगती रहती है। अगर दोस्तों आपके घर को बार बार नजर लगती रहती है तो उसे बचने के लिए काली उड़द की दाल को एक मुट्ठी में भर लें। अब मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन या फिर किसी भी दिन आप बजरंगबली को ध्यान में रख करके इसे अपने सिर पर से 7 बार उतार लें और फिर इसे किसी भी चौराहे पर जा करके थोड़ा थोड़ा चारों दिशाओं में फेंक दें और फिर अपने घर की ओर वापस आने लगे और वापस आते वक्त उस दाने पीछे की ओर फेंक दें। ऐसा करने से आपके घर पर लगने वाली बार बार नजर हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हमने आपको बताए काली उड़द के कुछ खास टोटके, इन्हें करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली।